हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब फ्रेंड्स। आज हमने बनाई है कटहल की सब्जी, जिसे कहीं जगह पर फणस भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसे जैक फ्रूट कहते हैं। सब्जी बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी बनी है। और ये मैंने बनाई है थोड़ा ग्रेवी रखकर। और ऑलरेडी मेरे चैनल पर बिल्कुल ड्राई कटहल की सब्जी की वीडियो भी अपलोड है, आप जाकर वो भी देख सकते हैं। तो जितनी ये बनाने में आसान है, खाने में उतनी ही टेस्टी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम लिया है कटहल, जिसको मैंने मार्केट में ही जिससे बाय करा था उसी ने छील दिया और इसको कट भी करके दे दिया। लहसुन अदरक प्याज टमाटर जो हमने तड़के में यूज़ करने हैं। तो हम सबसे पहले कढ़ाई रख देते हैं गैस पर, गैस ऑन है। हम डालेंगे सरसों का तेल। जैसे ही सरसों का तेल गर्म हो रहा है, हम प्याज को कट कर लेते हैं बारीक बारीक, पतला पतला, लंबा लंबा कट करेंगे। तेल गर्म हो चुका था, मैंने इसमें फनस को डाल दिया। इसको हमने शैलो फ्राई करना है। यहाँ पे ऑलरेडी ये फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो अभी हमने आधा ही इसको फ्राई करा है, क्योंकि मैंने तेल कम डाला हुआ है। अब आधा और फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो तड़का है उसको भी कट कर लिया। सारी चीजें, लहसुन अदरक प्याज हमने बारीक बारीक कट कर लिए। टमाटर की हम प्यूरी बना लेंगे, तो इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो सारा फनस जो है ऑलरेडी फ्राई हो चुका है। अब उसी तेल में मैं डाल रही हूँ एक दालचीनी का टुकड़ा, दो लौंग, एक हरी इलायची और 5-7 काली मिर्च, साबुत काली मिर्च। और साथ ही डाल दिया हमने जीरा। जैसे ही सारी चीजें चटक जाती हैं, अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक और प्याज जो हमने बारीक बारीक लंबा लंबा कट किया था। तो अब हम इस तड़के को जो है शैलो फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं, हमने इसको ब्राउन करना है, सिर्फ शैलो फ्राई करना है। तो जैसे ही ये तड़का अच्छे से हमारे पास भुन जाता है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे ग्राइंड किए हुए टमाटर। गैस को थोड़ा स्लो रखें ताकि छींटे ऊपर ना आए। और हमने इसको तड़के को इतना भूनना है कि ये तले को छोड़ दे, तब हमें पता लगेगा कि ये तड़का पूरा अच्छे से भून चुका है। तो यहाँ देखिए आप, सारा तड़का हमारा जो है अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करते हैं। नमक डाल दिया हमने स्वाद अनुसार। अब हम इसमें डाल रहे हैं हल्दी पाउडर, साथ ही हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर जो है बहुत अच्छा आता है। गरम मसाला, जीरा पाउडर और अब हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर। तो मसालों को भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। गैस को स्लो रखें ताकि मसाले जले नहीं। छोटी छोटी चीज़ों का जब हम ध्यान रखते हैं, तो हमारी सब्जी जो है बहुत ही अच्छी बनती है। अच्छे से देखिए, पूरा तड़का जो है बन चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। तो पानी हम इतना डाल रहे हैं कि मिक्सी का छोटा कप है। इसमें ऑलरेडी मैंने टमाटर पीसा था, तो मैंने साथ ही उसमें जो टमाटर लगा था, इसलिए उसमें पानी लेके इसमें डाल दिया। तो आधा गिलास के करीब आप डाल सकते हैं। फनस के हिसाब से आप कम या ज़्यादा पानी को कर सकते हैं। तो अब हम इसको बॉयल करेंगे ग्रेवी को। अब जैसे ही बॉयल आ गया, हम इसमें कटल को मिक्स कर देंगे। कटल को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप गैस को थोड़ा मीडियम ही रखेंगे, ताकि ये आराम से पक जाए सब्जी। अगर हम तेज गैस पर पकाएंगे तो एकदम से ये पानी तो सूख जाएगा, लेकिन कटल गलेगा नहीं। तो हमने इसको स्लो पर ही रखा हुआ है। बीच में मैं चेक कर लेती हूँ एक बार, इसको ढककर पकाया ताकि आसानी से पक जाए। ये देखिए, अभी पूरी तरह से पका नहीं है, सिर्फ आधा ही ये गला है। तो अभी हमने इसको और पकाना है और ग्रेवी बिल्कुल जो है कम रखनी है। तो चलिए वापस से मैं इसको ढक देती हूँ और इसको हम पकने देंगे। जब तक हमारी सब्जी तैयार हो रही है, यहाँ पर मैंने जो है चपाती बना ली है, क्योंकि हमने साथ में चपाती सर्व करनी है इसके। तो ये देखिए कितनी फूली फूली चपाती आ रही है हमारे पास। तो लीजिए, यहाँ पे ग्रेवी जो है पूरी तरह से सूख गई है और ये सब्जी हमारी बन करके तैयार हो गई है। अब हम इसमें धनिया पत्ती ऐड करेंगे। अभी भी मैंने गैस को थोड़ा स्लो रखा, ताकि ढक्कन हटा करके हम इसको एक बार अच्छे से सब्जी को भून लें। अब हमने ले लिया एक सर्विंग बाउल और सब्जी ऑलरेडी हमारी बन चुकी थी, तो हम सर्व कर लेते हैं।
तो लीजिए यहाँ पे हमने इसको बाउल में निकाल लिया है और धनिया पत्ती के साथ मैं इसको गार्निश कर रही हूँ। तो लीजिए ये देखिए सब्जी का कलर भी कितना अच्छा है। एक्चुअली थोड़ा सा लाइट जो है कहीं पर कम होती है कहीं पर ज़्यादा, तो उसकी वजह से सब्जी के कलर में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। एक्चुअली ये कलर है और ये सब्जी बन करके बहुत ही अच्छे से तैयार हुई है, पूरी तरह से ये गल चुकी है। देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ, क्योंकि हमने इसको मीडियम आँच पर ही पकाया है। तो वही चपाती जो हमने अभी बनाई है उसके साथ ही मैं इसको खा रही हूँ लंच में। तो मेरे को तो लगी है भूख, चलिए मैं तो कर रही हूँ इसको फिनिश। और आप ऐसी सब्जी जरूर बनाइएगा अपने घर में और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये सब्जी